Hello everyone, welcome to Achievers Camp. Let's see the vocabulary words of 6th November. So the words discussed today will be trite, alumnus and practice. Chalo, aaj ka pehla word dekhte hain, trite. Trite to bahut common word hai, bahut logon ko matlab pata hoga. Adjective hai jiska matlab hota hai a remark or idea lacking originality or freshness. मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जरूरत से ज्यादा यूज की जा चुकी है, हम बोलते हैं ना घिसा पिटा सामान या घिसा पिटा डायलॉग, तो वैसी चीज को हम बोलते हैं ट्राइट. ठीक है, जो बहुत ज्यादा यूज हो चुका है, ओरिजिनल नहीं है. नाउ हैव अ लुक एट द सेंटेंस. हर रिमार्क साउंडेड ट्राइट एंड इल इन्फॉर्म्ड. उसका जो भी रिमार्क्स था वो बहुत घिसा पिटा था और बेकार सा था. इट वॉज नॉट गुड. ओके, सो इट इज यूज इन अ नेगेटिव टर्म. चल फिर दूसरा वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैकस. फ्रैकस नाउन है जिसका मतलब होता है अ नॉइजी डिस्टर्बेंस और क्वेरल. नाम से ही बहुत ज्यादा अजीब सा साउंड निकल रहा है ना, जैसे क्योस होता है, बहुत सारे लोग एक साथ चिल्लाने लग जाते हैं तो जैसी आवाज निकलती है उसको हम लोग फ्रैकस कहते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अ क्वारल, लड़ाई झगड़ा, राइट जो होते हैं उसमें एक साथ बंदे लड़ रहे हैं. You can related with this. Okay. Now we'll have a look at a sentence. 8 people were injured in the fracas. Jo bhi disturbance tha, quarrel tha, usme 8 people injured ho gaye. Right. Bahut normal word hai. Aap chaos ko replace kar sakte ho with this word fracas. Now the last word for today is alumnus. Alumnus hum log na bahut log jante hain, hum log school life mein diary ko bol dete the. But actual meaning of alumnus is ऐसा पर्सन जो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुका है, वो वहाँ से पढ़कर बाहर निकल चुका है, तो उस पर्सन को हम एलुमनस कहते हैं और ये वर्ड स्पेशली बॉयज के लिए यूज किया जाता है. ओके, नाउ वी विल हैव अ लुक एट अ सेंटेंस. सेवरल एलुमनी हैव अग्रीड टू हेल्प रेज मनी. एलुमनस का प्लूरल है एलुमनी और इसका मतलब है कि बहुत सारे जो ओल्ड ग्रेजुएट्स हैं या जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अग्री किया है कि वो हेल्प करेंगे मनी रेज करने में. राइट, सो आई होप द वर्ड्स आर क्लियर टू एवरीवन. किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन फॉर द डे. सो द क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ प्रैक्टिस एंड द ऑप्शंस आर स्कफल, हार्मनी, क्लिच एंड अनएजुकेटेड. आप लोग सब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए. वहाँ पे भी लेट यू नो द राइट आंसर. एंड फॉर मोर सच वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.